हाय एवरीवन मैं हूं धनंजय उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे नॉर्मली जब भी हम अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक चीज हमें बहुत ही कॉमन सुनने को मिलता है वो है वो लॉलेसनेस और केनिया भी इससे अछूता नहीं है लेकिन ये लॉलेसनेस और भी बढ़ जाता है जब इसी महीने के पच्चीस तारीख को गवर्नमेंट ऑफ केनिया अपने पार्लियामेंट में एक फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही ये न्यूज अलग अलग सोशल मीडिया के मदद से बाहर पहुंचता है वैसे ही जो केनिया के कॉमन सिविलियंस होते हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और मैसिव वायलेंट प्रोटेस्ट है जिस प्रोटेस्ट में लगभग 20 से भी अधिक लोगों की जान गई है और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जलाया गया है साथ में बढ़ चढ़कर यह भी कहा जाने लगा कि इन सारे वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे चाइना का हाथ है इस वीडियो में हम बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे की एग्जैक्टली उस फाइनेंशियल बिल में ऐसा क्या था और क्या सच में जो केनिया में हो रहा उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो चाइना का बनता है इसी बीच कुछ बेसिक बातों के बारे में हमें जानना बेहद जरूरी होता है की चाहे केनिया हो या कोई और देश हो जब वहाँ पे लोग इस तरीके से सड़कों पे उतर जाते हैं

हम जीडीपी के माध्यम से हम नहीं नाप सकते कहने का मतलब है कि हो सकता है किसी देश का जो जीडीपी है वो काफी अच्छा हो लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो वो इक्वल ना हो कहने का मतलब है कि एक सेक्शन के पास उस देश का आधा या उससे अधिक पैसा हो और बहुत बड़े जो जनसंख्या है उनके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल अमाउंट हो जैसे ही पच्चीस तारीख को पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है वैसे ही इस तरीके का कुछ मैसिव प्रोटेस्ट होता है जिसके कारण केनिया के जो प्रेसिडेंट है विलियम रूटो वो इस बिल के ऊपर साइन करने से मना कर देते हैं कहने का मतलब

करना होता है तो कहने का मतलब है कि पूरा देश को चलाने के लिए इनके पास सिर्फ तीस रुपया ही होता है तो इस चीज को अगर आप बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाकर समझना चाहें तो अगर आप महीने का सौ रुपया कमा रहे हैं और तो सत्तर इतना कम हो जाता है कि चांसेस काफी हाई होता है कि आप अपने जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल ना कर पाए और जब आप अपने बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है आक्रोश है वो बढ़ जाता है तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ केनिया कोई भी ऐसा काम नहीं किए जिसके कारण उनका जो इनकम रहे वो बढ़े उसी बीच क्या है कि इनके पास जो भी पैसे बचे हुए वो इनको देने पड़ जाते हैं एज एन जो डेट ले रखे उसको रीपे करने के लिए तो कहने का मतलब है कि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन इनके जो खर्च है वो खूब सारे हैं इसी बीच जो फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे हर पॉसिबल चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया सो किसी भी सरकार के लिए टैक्स लगाना बेहद जरूरी होता है लेकिन उसको ये भी देखना होता है कि उस देश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या है पॉसिबली जैसे कि डायपर हो गया प्लास्टिक हो गया या ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर टैक्स लगाया गया और जहां तक बात रहा खाने पीने के सामान के बारे में तो उसके ऊपर लगभग कुछ पच्चीस के आसपास का टैक्स लगाया गया तो अगर आप कुछ इसको लमसम समझे तो कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ केनिया टैक्स नहीं लगाए और टैक्स लगाए भी तो वो अमाउंट अपने आप में बहुत ज्यादा है तो एक तरफ तो केनिया एज एन कंट्री का कोई इनकम नहीं है वहां के जो यूथ है उनके पास कोई रोजगार नहीं है और उसके बाद जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी बहुत मैसिव तरीके से इम्पोज किया गया तो ये सारे कारण काफी पर्याप्त होते हैं जिसके कारण वहाँ के जो कॉमन सिविलियंस हैं, वो ऑलमोस्ट एक विद्रोह कर बैठे इसी बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी जो है, ये काफी इनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है उसके पीछे का रीजन है की इनका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है अब हम जानतेनिया exactly में जो हो रहे प्रोटेस्ट इसके पीछे चाइना का नाम क्यूँ आ रहा तो एक चीज जो मैंने समझा है वो ये है की अगर आपके देश का फॉरन पॉलिसी काम नहीं कर अगर आपके देश का लीडर्स इफेक्टिव नहीं है तो ये कसूर उस देश का होता है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और साथ में जैसा की मैंने बताया की ऊपर लगभग एट्टी से लेके बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन है जिसके बारे में यह कहा जाता है की इसका भी जो सेवेंटी जो लोन है वो चाइना दे रखा है केनिया को और चाइना के बारे में यह कहा जाता है कि वो लगभग कुछ सात से लेकर दस परसेंट का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात यह भी है कि चाइना किन शर्तों के ऊपर किसी भी देश को लोन देता है चीज बहुत कम ही पब्लिक डोमेन में आता है तो कहने का मतलब है कि जो काम आज चाइना कर रहा मोर और लेस सभी सुपर पावर देश यही करते हैं जब दो में विलियम रूटो प्रेसिडेंट नहीं बने थे और जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब ये बढ़ चढ़ कर प्रोमिस किए थे जहां पे इनका ये दावा था कि अगर ये किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट बन जाते हैं केनिया

के प्रेसिडेंट रहते हैं युहुरु केन्याटा उस वक्त विलियम रूटो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं इस टाइम पीरियड के बारे में यह कहा जाता है कि की वही टाइम पीरियड है जब प्रेसिडेंट केन्याटा बढ़ चढ़कर चाइना से लोन लेते हैं और किन शर्तों पे लोन लेते इस चीज को भी नहीं किया जाता है तो कहने का मतलब है की आज के डेट में केनिया इतना ज्यादा लोन ले रखा है की उसके जो सारे इनकम है वो उस लोन को रीपे करने में ही चला जाता है और उसके बाद इनके पास इतने पैसे नहीं बचते जिस पैसे को वो देश में इन्वेस्ट करे और फिर दोबारा से रेवेन्यू जनरेट करें इसके कारण क्या होता है कि अगर आज के डेट में केनिया किसी भी देश के पास जाता है या इनफैक्ट किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जैसे कि आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया और वहां पे अगर ये लोन के लिए अप्लाई करता है तो इनको वहां से भी लोन नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो कुछ एक आपको सबमिट करना होता है या आपको एटलीस्ट ये दिखाना होता है कि आपके देश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा और उसके बाद अगर आप चाइना का डेट ट्राफ पॉलिसी को समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना ऑलमोस्ट अपने लोन का 90 परसेंट लोन उन्हीं सब देशों को देता है जिस देश का इकोनॉमिक सिचुएशन बेहद खराब होता है तो अगर आप इन्हीं सब चीजों को अगर आप चाइना के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो यह उनके लिए सही है आई होप दैट यू लाइक द वीडियो अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे ई करके बताएं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ वंडरफुल डे थैंक यू टेक केयर गुड बाय